तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, तो आप सभी को हिमाचल पे स्वागत है। तो गाइस सुबह बज रही है 10:30 और फाइनली नहा धो के रेडी हो चुके हैं मस्त अपना, और अभी हम आए हुए हैं बेलपत्ता तोड़ने के लिए। और गाइस मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि अभी कोई मंदिर साइड आ गया है पूजा करने के लिए, तो हमें ना थोड़ा और देर रुकना पड़ेगा। गाइस अगर आपके सिर में ना बाल नहीं है ना, तो हमें ना एक फायदा है, पता है क्या? नहा कर ना हमें बाल नहीं सुखवाना पड़ता है, पंखा के पास नहीं बैठना पड़ता है, हमें तुरंत नहा कर हम निकल आते हैं पूजा करने के लिए। वरना पहले बाल था ना तो पंखा के पास हमें 10 मिनट सुखवाना पड़ता था, और फिर थोड़ा टाइम भी लग जा रहा था काफ़ी। और गाइस इसमें भी ना मुश्किल हो रहा है पत्तिया ढूंढना, क्योंकि यहाँ पे भी ना पिल्लू वो खाना स्टार्ट कर रहे हैं अभी पत्तिया। सुबह सुबह हमने पूजा कंप्लीट कर लिया और गाइस अभी निकलते हैं घर पे, क्योंकि जैसा ही पूजा करते हैं ना हमें लग जाती है बहुत तेज वाली भूख। तो गाइस दोपहर को बज रही है 1:30 और फाइनली खाना भी कंप्लीट हो चुका है, और अब भी ना हम फिर से आ चुके हैं घर से बाहर, और मतलब अभी तो बादल है और थोड़ा सा धूप है तो गर्मी तो लग रही है। हमारा फोन का ना बैटरी खत्म हो गया था, इसीलिए थोड़ा लेट बाहर निकले हुए, मतलब खाना किए बैठे और थोड़ा घर पे थोड़ा समय बाबू के साथ संजना के साथ थोड़ा बिताए, और वो ना अभी देख रहे थे फोन। अभी ना दो दो बेल, हम लोग इसको ना सिलफड़ बोलते हैं, जो अभी गिरा हुआ है। और गाइस अभी ना इसका कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब हम ना ही खाने में अच्छा लगेगा और ना ही इसका शरबत घुरने में सारे ना, अब ये धूप की वजह से और ज़्यादा पक गए तो अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है। बट संजना अभी भी देखेगी ना तो उठा कर लेके चले जाएगी घर पे। अगर पता चला कि बेल गिरा हुआ है और बारिश के समय में ना खाने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, घर पे ना एक तरफ से पूरा मिट्टी भीगा हुआ है और ये खाकर इधर उधर करते हैं ना तो थोड़ा गंदा सा लगता है, इसलिए हम ना घर पे नहीं ले जाने वाले, हम इधर रख देते हैं। और गाइस आप लोग सोच नहीं सकते, उनको इतना ज़्यादा बेल खाना पसंद है ना, यहाँ पेड़ के पास इधर नहीं आते हैं, बस घर के पास ना दिखेंगे मतलब गिरा हुआ है कि नहीं बेल, और फिर वहाँ से लौट जाएंगे। और अभी आ गई है कड़क धूप जो काफ़ी तेज़ गर्मी लग रही है। गाइस अभी ना आप लोग सोच नहीं सकते, इतना छोटा सिलफड़ गिरा हुआ, इतना छोटा, ये देखिए जितना बड़ा ना, इससे बड़ा ना अमरूद होता है, बट ये बेल इतना छोटा है, मतलब होता है, इसको भी इधर फेंक देते हैं, हो गया फाइनल, अब ना ही घर पे ले जाएंगे और ना ही गंदा करेंगे। कोई चीज़ का ना लिमिट होता है कि इतना हमें ना इतना टाइम हमें खा लेना है, बट ये ना लिमिट ले काफ़ी ज़्यादा बाहर हो चुका है, तो बेल अभी खाना अच्छा नहीं है और काफ़ी ना हल्का भी हो चुका है। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? और गाइस अभी ना मस्ती चल रहा है, अरे चक्कर आ जाएगा, गिर जाओगी, नहीं आएगा, अच्छा तो घूमो तो। और गाइस मौसम ना बाहर काफ़ी अच्छा है, बट थोड़ा सा ना इनसे नाराज है, बताइए इतना अच्छा धूप है, अरे धूप बोल रहे हैं, मौसम है, हवा चल रही है, बट ये बाहर निकल जा रहे हैं, और अभी आ गई है धूप। क्या हुआ अभी ना, काफ़ी तेज़ धूप आ गई है,
ये देखिए कितना तेज धूप आ गई है। रंजना ना पता नहीं किस बात के लिए रो रही है, वो बहुत देर से रो रही है। और गाइस उसको ना मनाने गए थे हम, चुप हो जाओ चलो घूमने चलते हैं, बट फिर भी नहीं मान रही है। और संजना हमारे साथ खेल रही है, बाबू मस्त सो रहा है बट वो रो रही है। थोड़ी देर और रोएगी और फिर चुपचाप हो जाएगी खुद से। बहुत मना है बट वो फिर भी नहीं मान रही है। और गाइस इसको ना पता नहीं क्या हो गया आज। ये देखिए अभी ना नहा कर आ रही है, सुबह से दो बार कपड़ा चेंज हो गया इनका, और अभी फिर से छांव और थोड़ी देर में फिर से धूप, ऐसा ही धूप छांव हो रहा है। जाओ अंजना को मनाओ, रो रही है, जाओ वो बहन है तुम्हारी, जाओ। पता है क्यों कर रही है ऐसे? क्योंकि हम ना ब्लॉग बना रहे हैं और वो दिखाने के लिए ना ऐसा कर रही है, और हमें लगा कि बहुत ज़्यादा खुश है, कुछ बात होगा, बट नहीं, उसको तो ब्लॉग में आना है और इसलिए ऐसा ना शरारत कर रही है। गाइस ये हम लोग का पौधा जो हमने लगाया था, और ये हम ना पेड़ पे बदलना स्टार्ट हो रहा है, बड़ा सा होगा और ये हमें छाव ऑक्सीजन सब मिलेगा। अभी ना बारिश का समय है ना, इसीलिए पानी नहीं डाले। हाथ हटाओ वहां से, गिर जाएगा, अरे पैर पे गिर जाएगा। ऐसे ना सिर्फ सेफ्टी के लिए लगाया गया है, वहां पे बैठने के लिए नहीं। गाइस अभी हम आए हुए हैं छत पे, और अभी ना मस्त हवा चल रही है ठंडी ठंडी, तो सोचे हैं कि चलते हैं थोड़ा छत पे आनंद उठा लेते हैं। और शाम को ना अभी बज रहा है 6। गाइस अभी ना हम नहीं बोलने वाले हैं कि मौसम मतलब खराब हो चुका है या पानी बरसने वाला है, क्योंकि हमें बोलने से पहले ना पानी नहीं हो रहा है। अभी आप लोग देखिए पेड़ भी, पत्तियां ना हिल रही है, मतलब पत्तियां नहीं पेड़ भी हिल रहा है साथ में। और सामने रुका है ट्रेन मालगाड़ी, और उसका इंजन है यहाँ पे। अभी आप लोगों को मौसम दिखना है, अभी ना दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं। ये देखिए खूबसूरत नज़ारे, ये देखिए इधर भी देखिए, चारों तरफ से देखिए पूरा बादल ना घेरे हुए हैं, बट बारिश का ना अभी कोई चांस नहीं है मेरे को लग रहा है। ऐसा ही सिर्फ बादल दिखा रहे हैं, उम्मीद जगा रहे हैं कि अभी बारिश होगा। हवा तो ठीक ठाक चल रही है, और दोपहर में ना काफी गरम गरम हवा चल रही है, शाम को सन भी ढल चुके हैं। अभी आप लोग को एक चीज ना दिखाना भूल गए, ये देखिए ये बड़ा सा जेसीबी ना यहाँ पे मिट्टी खुदाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे न्यू नाली और न्यू ना रोड बन रहा है, इसीलिए अभी इधर हमारे घर के सामने आ रहा है। और हम लोग का ना रास्ता अभी खराब करने वाला है, जिससे हम लोग जाते हैं मोहल्ले साइड। ये देखिए इस गर्मी ना बहुत ज्यादा झेले हुए हैं बहुत, तो ऐसा मौसम अगर ठंडा होता है ना तो हम तुरंत ना बिना कुछ सोचे ही ना आ जाते हैं आनंद उठाने के लिए। तो गाइस बहुत ज्यादा ही ना कुछ हॉर्न मार दिए, कान दुखना स्टार्ट हो गया, ऐसा लग रहा है ना कि सुन हो गया है।